और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। रोजाना पूजा की याचिका को हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना था। हाई कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। कल मुस्लिम पक्ष जल्द सुनवाई की मांग करेगा। एएसआई सर्वे के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने मुस्लिम पक्ष रखेगा। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। महाराजगंज में लूटकांड के फरार आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने मऊ के रहने वाले शातिर अपराधी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजकुमार सिंह के पैर में गोली लगी है, जबकि तीन अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लगी है। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इन बदमाशों ने निचलौल इलाके के स्थित बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट। आगरा में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती कराया है। वांटेड अपराधी श्याम सुंदर के खिलाफ आगरा के अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज है। वो फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास भी किया है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी कर दी थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और गोली बदमाश के पैर में लग गई है। पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। लगभग 4 बजे यहाँ न्यू आगरा पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम श्याम सुंदर सन ऑफ डिप्टी सिंह है, ये जो 10,000 रुपये का वांछित इनामिया भी चल रहा है, ये यहाँ न्यू आगरा क्षेत्र में बाइक से मूव कर रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस ने नाकाबंदी लगाकर चेकिंग की और इसको रोका गया तो इसने पीछे की तरफ भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया। इसमें आत्मरक्षात फायर पुलिस टीम ने भी किया, जिसमें ये अभियुक्त घायल हुआ है। अभियुक्त को प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल के लिए भेजा गया। हमीरपुर में कल लड़की ने यमुना पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लड़की ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि वीडियो लड़की की बहन ने ही बनाया है। मामला कांशीराम कॉलोनी का है। दरअसल पानी भरने के विवाद में गर्भवती महिला की पिटाई करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले में आरोपी लड़की ने यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि लड़की अपनी सगी बहन के साथ आत्महत्या करने यमुना पुल पर गई थी। यहां उसने पहले पुलिस पर कई आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने का वीडियो बनाया और इसके बाद पानी में कूद गई। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने चौकी इंचार्ज और बीट सिपाही को निलंबित कर दिया है। इस मामले में लड़की की बहन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बहन खुदकुशी कर रही थी और वो उसे बचाने की जगह वीडियो बनाने में लगी थी। कल दिनांक 21/7/2023 को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक दो पक्षों में कूड़ा डालने और पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष इम्तियाज खान उनकी बहू को, जो कि गर्भवती थी, उनको चोटें आई थी, उनकी तरफ से मारपीट का मुकदमा लिखा गया था और दूसरा पक्ष संतोष सोनकर और उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।